दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज टॉपिक, डिजिटल बैंकिंग इकाई यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को फिर से दोहराया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अपने डिजिटल वित्त समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। क्या है डिजिटल बैंकिंग? आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल बैंकिंग में चेक, जमा पर्ची, डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसी कागजी कार्रवाई को दूर करते हैं। सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को ऑनलाइन करना शामिल होता है। क्या है डिजिटल बैंकिंग इकाई? एक डिजिटल बैंकिंग इकाई का विशेष निश्चित बिंदु कार्य इकाई या हब होती है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के साथ साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनाओं मौजूद होती हैं। कैसे होती है डिजिटल बैंकिंग इकाई की स्थापना? जब तक रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, डिजिटल बैंकिंग में पूर्व अनुभव रखने वाले वाणिज्यिक बैंकों को टीयर 1 से टीयर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति है। इसके अलावा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने के लिए RBI से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है इकाई से मिलने वाली सेवाएं? RBI के अनुसार प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग इकाई को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होनी चाहिए। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाते, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड आदि शामिल हैं। क्या है डिजिटल बैंकिंग इकाई के लाभ? डिजिटल बैंकिंग इकाई हल्के बैंकिंग दृष्टिकोण के साथ कम संख्या में छोटी छोटी बैंक शाखाओं के माध्यम से भौतिक मौजूदगी यानी भीड़भाड़ को कम करने का इरादा रखने वाली बैंकों की स्वतः मदद करेगी। इस कदम से ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएगा। ऐसी इकाई स्थापित करने में बैंक की नई शाखा की तुलना में सस्ती भी होगी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकती है। इन इकाइयों को नए जमाने के बैंकों के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है और यहाँ नए उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से ब्रांडेड व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन उपकरण प्रदान करने में मदद कर सकती है। डिजिटल बैंकिंग इकाई को तकनीकी उपकरणों के कारण सस्ते रखरखाव हेतु कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इसलिए यह मूल बैंक के लिए उच्च लाभ प्रदान करने वाली इकाई हो सकती है। यदि कुछ नहीं तो ऐसी और इकाइयां समय की मांग के अनुरूप अधिक वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती है। क्या है इसका महत्व? सरकार के इस कदम से ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशन में तेजी से वृद्धि को देखते हुए डिजिटल बैंकिंग, जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, की सहायता करने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना महत्वपूर्ण है। क्या है RBI के दिशा निर्देश? भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति डिजिटल बैंकिंग का पिछला अनुभव रखने वाली अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दी गई है। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना टीयर 1 से
टीयर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोल सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले जाने वाले DBU को बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा। प्रत्येक DBU में बाहर निकलने और प्रवेश करने के लिए अलग अलग स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि DBU को उचित प्रारूपों के साथ मौजूदा बैंकिंग आउटलेट से भिन्न होना चाहिए, बशर्ते इसके प्रारूप डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त होने चाहिए। प्रत्येक DBU का नेतृत्व बैंक के एक वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे DBU के मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक, उल्कावृष्टि, मीटियोर शावर। 22 अप्रैल को भारतीय आसमान में लिरिड उल्कावृष्टि अपने चरम पर थी और यह उल्कावृष्टि 29 अप्रैल तक हर घंटे लगभग 10 से 15 उल्काओं की दर से लगातार जारी रहेगी। लिरिड स्थैचर नाम के एक धूमकेतु का मलबा है। यह धूमकेतु वर्तमान में पृथ्वी से 1,60,000,000,000 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा कर रहा है। वर्तमान में सूर्य से दूर जाते हुए धूमकेतु थैचर अगले 45 वर्षों में अपने प्रक्षेप वक्र पर वापसी शुरू करेगा। उल्का वृष्टि बनाम उल्का तूफान, मीटियोर शावर वर्सेस स्टॉर्म। प्रति 33 वर्षों में एक उल्का वृष्टि उल्का पिंड तूफान में परिवर्तित हो जाती है। इस दौरान हर घंटे सैकड़ों से हजारों उल्काएं देखी जा सकती हैं। उल्का पिंडों के तूफान में प्रति घंटे कम से कम 1,000 उल्काएं देखी जाती। वर्ष 1966 में एक लियोनिड तूफान के दौरान 15 मिनट की अवधि के दौरान प्रति मिनट 1,000 उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गिरती हुई देखी गई थी। इस प्रकार का आखिरी तूफान वर्ष 2002 में देखा गया था। उल्का वृष्टि क्या होती है? उल्काएं सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में गति करने के दौरान धूमकेतु से बाहर निकलते हुए चट्टान और बर्फ के टुकड़े होती है। जब पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे से होकर गुजरती है तो उल्का वृष्टि यानी मीटियोर शावर्स की घटनाएं देखी जाती हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, उल्कापात तथा उल्का पिंड में अंतर। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड, यह एक अपेक्षाकृत छोटा निष्क्रिय चट्टानी पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। धूमकेतु, कॉमेट। धूमकेतु जमी हुई गैस, पत्थर और धूल से निर्मित सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। सूर्य से नजदीक पहुंचने पर इनकी सतह वाष्पित होकर गैस और धूल से भरे परिमंडल का निर्माण करती है, जिसे कोमा कहा जाता है, जो कभी कभी पुच्छल यानी पूंछ की आकृति में विस्तृत हो जाती है। उल्का, मीट्रियोइड, यह आकार में धूमकेतु अथवा क्षुद्र ग्रह से पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्कापात, मीटियोर, जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वाष्पित हो जाती है, उस समय होने वाली इस प्रकाशीय घटना को उल्कापात कहा जाता है, जिसे टूटता तारा भी कहते हैं। उल्का पिंड, मीटियोइट, यह वह उल्का होता है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट होने से बच जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर आकर टकराती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। हाल ही में गठित पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना मंत्री के अनुसार यह प्राधिकरण एक अनावश्यक निकाय था जिसने संसाधनों को बर्बाद कर दिया और महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन को विफल कर दिया। क्या है पृष्ठभूमि? वर्ष 2019 में एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित
सीपीईसी प्राधिकरण का उद्देश्य चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से संबंधित कार्रवाइयों की गति को तेज करना, विकास के नए कारकों को खोजना, क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी के माध्यम से परस्पर संबंध उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की क्षमता को अनलॉक करना था। क्या है सीपीईसी? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी कई अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव की प्रमुख परियोजनाओं के तहत पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगार तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबी एक वाणिज्यिक परियोजना है। यह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से दुनिया विश्व में बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाना है। इसका लगभग 3000 किलोमीटर लंबे चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन का निर्माण किया जाना शामिल है। इस प्रस्तावित परियोजना को भारी सब्सिडी वाले ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के लिए यह ऋण चीनी बैंकिंग दिग्गजों जैसे एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, चीन डेवलपमेंट बैंक तथा चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्या है भारत की चिंताएं? यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र बलूचिस्तान से होते हुए गुजरेगा। सीपीईसी ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अपनी आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित छोटा करने के साथ साथ हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने संबंधी चीनी योजना पर आधारित है। अतः ये माना जाता है कि सीपीईसी के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में चीनी मौजूदगी भारत के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि सीपीईसी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक बदल देता है तो यह भारत के लिए एक खतरे का संकेत हो सकता है और पाकिस्तान के समृद्ध और मजबूत होने का उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत के चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्तों में विश्वास में कमी है और दोनों के साथ संघर्ष का पुराना इतिहास है। नतीजतन भले ही परियोजना के लिए व्यवहारिक रूप से दोबारा वार्ता शुरू करने के सुझाव दिए गए हों, लेकिन किसी ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सीमाकरणों में बाधक प्रमुख कारकों को खारिज नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज टॉपिक। क्या है आईटी रूल्स 2021, जिसके तहत सरकार ने ब्लॉक किए 16 यूट्यूब चैनल। हाल ही में सूचना और प्रसारण यानी IB मंत्रालय द्वारा 16 YouTube समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान के 6 YouTube समाचार चैनल भी शामिल हैं। इससे पहले मंत्रालय द्वारा विभिन्न आरोपों के आधार पर भारत के 18 YouTube समाचार चैनलों सहित दुनिया भर के 78 YouTube समाचार चैनलों को ब्लॉक किया जा चुका है। क्या है ब्लॉक करने के कारण? यूट्यूब आधारित इन समाचार चैनलों को देश में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी और असत्यापित जानकारी फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया है। चैनलों पर लगी कौन सी कानूनी धारा? इन चैनलों पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात IT नियम 2021 के नियम 18 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई की गई है। IT नियमों का अवलोकन 2021। इन नियमों के तहत देश भर में ओवर द टॉप यानी OTT और डिजिटल पोर्टलों द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करना अनिवार्य किया गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु यह आवश्यक है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक प्रमुख अनुपालन अधिकारी यानी चीफ कंप्लेंस ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ये कंपनियां एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करेंगी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकेंगी। शिकायत अधिकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे, जो 24 घंटे के भीतर
कोई भी संबंधित शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में इसका निपटारा करेगा। सामग्री को हटाना। यदि किसी उपयोगकर्ता विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ शिकायतें व्यक्तियों के निजी अंगों या नंगता या यौन कृतियों का प्रदर्शन अथवा किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण आदि के बारे में दर्ज कराई जाती है तो ऐसी सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। मासिक रिपोर्ट। इसके लिए हर महीने प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या और इसके निवारण की स्थिति के बारे में मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी। समाचार प्रकाशकों के लिए विनियमन के 3 स्तर होंगे। स्वविनियमन, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक स्वनियामक निकाय और प्रक्रिया संहित एवं शिकायत समिति सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निगरानी। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्था और इसके लाभ। 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को नए मापदंडों के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ माना जाएगा अगर कानूनों का पालन नहीं हुआ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैनेजर जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को नई सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं करने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे संशोधित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इनको मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति खोने का जोखिम भी है और वे आपराधिक कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज टॉपिक। 100 प्रतिकृत मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन। कैलिफोर्निया स्थित एक दवा कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ ARCT-154 नामक एक स्वप्रवर्धक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन विकसित की है। क्या है इसके लाभ? ARCT-154 वैक्सीन गंभीर कोविड-19 के खिलाफ 95% और कोविड संक्रमण के खिलाफ 55% सुरक्षा का दावा करती है। क्या है mRNA वैक्सीन? mRNA वैक्सीन द्वारा रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरल प्रोटीन का स्वतः उत्पादन करने के लिए भ्रमित किया जाता है। इसके लिए मैसेंजर RNA अथवा mRNA का उपयोग किया जाता है। मैसेंजर RNA कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को संकेतिक शब्दों में बदलता है। mRNA कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां तैयार करने के लिए निर्देशित करता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक संक्रमण होने पर स्पाइक प्रोटीन को पहचान सके और प्रतिक्रिया शुरू कर सके। फाइजर और मॉडर्ना इत्यादि mRNA वैक्सीन के उदाहरण हैं। क्या होते हैं स्वप्रवर्धक मैसेंजर RNA टीके? स्वप्रवर्धक mRNA वैक्सीन पारंपरिक RNA प्लेटफॉर्म पर विकसित की जाने वाली वैक्सीनों का एक उन्नत संस्करण है। यह वैक्सीन एंटीजन के अलावा 4 अतिरिक्त प्रोटीनों को एनकोड करती है और ये कोशिकाओं के अंदर एक बार प्रविष्ट किए जाने के बाद RNA के मूल तंत यानी ओरिजिनल स्टेरेंट का प्रवर्धन करती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इस प्रक्रिया के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।